बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज आखिरी टॉपिक है स्टोइकोमेट्री का, थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। सबसे पहले आपने यील्ड के बारे में जानना है कि ये यील्ड क्या होता है। व्हाट इज यील्ड? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट produced from given amount of the reactant is called yield। फर्ज कर लेते हैं आपके पास reactants, इस reactant से जितना amount of the product बनता है, product के इस amount को हम क्या कहते हैं? yield कहते हैं। The amount of the product which is formed from the given amount of the reactant। अब ये कौन सा साइड है? रिएक्टेड साइड है। ये कौन सा साइड है? प्रोडक्ट साइड है। सो रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। So, इस प्रोडक्ट की जो मिकदार होती है, उस मिकदार को केमिस्ट्री में हम कहते हैं यील्ड कहते हैं। और कोई भी प्रोडक्ट हो, आयोनिक प्रोडक्ट हो, कोवेलेंट प्रोडक्ट हो, यानी कंपाउंड हो, जो भी हो, अब ये यील्ड की दो टाइप्स है। एक हमारे पास है थ्योरेटिकल यील्ड और एक हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है? व्हाट इज थ्योरेटिकल यील्ड? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट which is calculated on the basis of given balance chemical equation is called theoretical yield। यानी कंपाउंड की वो मिकदार जो कि हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। So, इस मिकदार को हम कहते हैं थ्योरेटिकल यील्ड। दूसरा हमारे पास है एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड क्या होता है? द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट is called actual yield। actual yield का दूसरा नेम है experimental yield और इसका तीसरा नेम जो है वो है practical yield। so experimental yield, practical yield और actual yield ये एक ही बात है। so आप इन दोनों का मैं एक example देता हूं इससे कि एक्चुअल यील्ड वो यील्ड होता है जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो और एक्सपेरिमेंट के दौरान आपके पास प्रोडक्ट बन जाए तो उस प्रोडक्ट की अमाउंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड वो यील्ड होता है कि आपने कैलकुलेट किया कि मेरे पास इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट। मैं एक एग्जांपल देता हूं, तब तक ये नोट कर। होपफुली आपने नोट किया होगा। चलो इसका एग्जांपल देता हूं। डियर स्टूडेंट, इस एग्जाम्पल को जरा गौर से देखें।
मेरे पास फॉर एग्जाम्पल गिवन देयर इज केमिकल इक्वेशन, अब इसका कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन हम किस तरह कर लेते हैं? इस इक्वेशन को जरा देखो, ये मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये बताता है कि 46 ग्राम सोडियम जब 71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो जो प्रोडक्ट बनता है 170 ग्राम आपके पास एक प्रोडक्ट बनेगा। ये कौन बताता है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बंदा है, उस बंदे ने क्या किया? उस बंदे ने एक कंटेनर ले लिया। जब कंटेनर ले लिया तो उसने 46 ग्राम सोडियम ले लिया। जब सोडियम क्लोराइड बन गया तो उसने इसको मास मालूम किया, तो उसका जो मास था वो 114 ग्राम था। सोडियम क्लोराइड का मास कितना होना चाहिए? 117 ग्राम। यहां पर कितना आ गया? 114 ग्राम। ये बाकी 3 ग्राम कहा गया। सो इस अमाउंट को हम कहते हैं एक्चुअल। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पर हम कैलकुलेट करते हैं इसको हम कहते हैं थ्योरेटिकल। अब इसके चार रीजन है जिसकी वजह से ये एक्चुअल यील्ड कम आता है, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा आता है। कौन कौन से रीजन से? नंबर वन, स्टूडेंट नंबर वन रीजन तो यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल है। रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट डिकम्पोज होकर वापस रिएक्टेड बनाते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट का अमाउंट कम होता है। दूसरा रीजन क्या है? अनवांटेड रिएक्शन। अनवांटेड रिएक्शन किसे कहते हैं? ऐसी रिएक्शन जो नहीं चाहते कि हो जाए लेकिन फिर भी वो होते हैं, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं अनवांटेड रिएक्शन या चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हमारे पास 3-4 स्टेप में एक रिएक्शन कंप्लीट होता है, उसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन। तीसरा हमारे पास रिकवरी ऑफ द प्रोडक्ट। जब ये प्रोडक्ट बन जाए तो उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बोतल में पानी डाल देते हो और फिर उस पानी को गिलास में डाल देते हो तो अब क्या कहते हैं कि मेरे सारा का सारा पानी गिलास में डाल दिया, लेकिन वो जो बोतल होता है उसमें पेटी कतरे रह जाते हैं, वो कतरे भी इफेक्ट पर जो होते हैं वो इफेक्ट कर जाते हैं, वो थोड़े थोड़े बहुत छोटे छोटे कतरे जो होते हैं। तो अपने सारा का सारा पानी बोतल का जो सारा का सारा पानी था वो गिलास में नहीं डाला, कुछ फिर भी रह जाता है।
ठीक है। और अगर हर एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर प्रेशर और उसका स्पेसिफिक पीएच होना चाहिए, अगर वो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ तो प्रोडक्ट कम होगा, टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज हुआ प्रोडक्ट कम होगा, पीएच में इंक्रीज और डिक्रीज आ गया तो प्रोडक्ट भी कम होगा। तो ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये जो एक्चुअल यील्ड है वो कम आता है देन थ्योरेटिकल। यहां पर मैं आपको अनवांटेड रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता हूं कि ये अनवांटेड रिएक्शन क्या होता है। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर हम 13-नाइट्रोबेंजीन को बनाना चाहते हैं और 13-नाइट्रोबेंजीन को जब हम बनाना चाहते हैं तो इसको रिएक्ट किया जाता है बेंजीन को रिएक्ट किया जाता है विद नाइट्रिक एसिड। तो हमारे पास 13-नाइट्रोबेंजीन तो बनता है 13-नाइट्रोबेंजीन, लेकिन इसके साथ साथ ये आर्थ्रोनाइट्रोबेंजीन भी बनता है। अगर कोई इसको स्टॉप करना चाहे तो इसको हम स्टॉप नहीं कर सकते किसी भी हालत पर नहीं, तो इन दोनों कंपाउंड का क्या बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। ये दो डिफरेंट कंपाउंड है, ये सेम कंपाउंड नहीं है। इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह सब कुछ क्या है, अलग अलग है, डिफरेंट है। सो हम किसको बनाना चाहते हैं रिएक्शन के दौरान हम पैरानाइट्रोबेंजीन को हम बनाना चाहते हैं, लेकिन पैरानाइट्रोबेंजीन के साथ साथ हमारे पास आर्थ्रोनाइट्रोबेंजीन भी बनता है, तो पैरानाइट्रोबेंजीन का तो अमाउंट तो कम होगा। क्यों? इसके साथ जो आर्थ्रोनाइट्रोबेंजीन बना तो इसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा। सो इसी वजह से अनवांटेड रिएक्शन ये होते हैं। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को यह क्लियर हुआ होगा के थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है और एक्चुअल यील्ड क्या होता है। होपफुली नोट डाउन।